आज मैं इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूँगा कि उन स्टूडेंट्स को जरूर दिखाइएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी एकेडमिक परसेंटेज हर जगह मैटर करती है। अगर आपकी परसेंटेज 65% से कम रहती है तो आपके वीज़ा चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वही बेटर है, जो ओपन बोर्ड से कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बेल्स ओवरसीज द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीजा प्रोसेस 6290 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अगर उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूँगा कि उन स्टूडेंट्स को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये उनके लिए करियर चेंजिंग हो सकती है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स ओवरसीज स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं, ओवरसीज स्टडीज़ का मतलब जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि आपने ये ट्वेल्थ के बाद स्टडी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, यूएसए, यूके, ऐसी कंट्रीज़ में, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज़ में जाना है, आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी एकेडमिक परसेंटेज हर जगह मैटर करती है। अगर आपकी परसेंटेज 65% से कम रहती है तो आपके वीज़ा चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। और वो भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मान लो कनाडा में कॉलेजेस में जाना है तो उनकी रिक्वायरमेंट 65%, और अभी तो कुछ जो सिलेक्टिव बढ़िया कॉलेज है वो आप मेरिट बेस्ड पे लेते हैं स्टूडेंट्स को। और अगर आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो वहाँ मिनिमम परसेंटेज ही 70 की रिक्वायरमेंट है, और जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो 90% से भी अबव मार्क्स मांगती हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो पहले अपना टोटल एग्रीगेट परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज वो किसकी मांगते हैं, वो चार मेन सब्जेक्ट की मांगते हैं। ये नहीं कि आप ये सोचो कि ड्राइंग लिया, म्यूज़िक लिया, फिजिकल एजुकेशन लिया, उसमें मार्क्स वो काउंट नहीं होते। काउंट कौन से मार्क्स होते हैं, जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स नॉन मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनका फिजिक, मिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं फिजिक, मिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। इसी तरह जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंटेंसी एंड इंग्लिश। आर्ट्स वाले भी जो मेजर सब्जेक्ट गिने जाते हैं वो गिने जाते हैं। अगर आपने मैथ रखा, इकोनॉमिक्स रखी है, आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे मेन कोर सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए तो उनके लिए बेटर रहता है। हालांकि और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज अच्छी ले लेते हैं पर इंडिविजुअली भी चाहिए होता है। इंडिविजुअली भी आपके इन कोर सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर बताए हैं किसी में मार्क्स 60% से नीचे नहीं होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिफ्यूजल्स का सामना करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनके एक आध सब्जेक्ट में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट में जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आपके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, आपने एडिशनल मैथ लिया हुआ है, क्योंकि कनाडा में मैथ को बहुत रिक्वायरमेंट मानते हैं। हर जगह ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास मैथ होना चाहिए। इवन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स अगर नर्सिंग में भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी उन्होंने मैथ की रिक्वायरमेंट रखी है। लेकिन इस स्टेज पर आप वो तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने रखा हुआ है मैथ, इकोनॉमिक्स, एडिशनल सब्जेक्ट भी रखा हुआ है, तो भी उसमें भी आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ओवरऑल चाहे परसेंटेज बहुत अच्छी है लेकिन मैथ, इकोनॉमिक्स में, या अगर आपने जो एडिशनल सब्जेक्ट रखा हुआ है उसमें अगर मार्क्स कम है तो वो भी आपको वो मेन सब्जेक्ट में ही मानते हैं, उसको वो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं मानते। तो इसलिए एडिशनल सब्जेक्ट में भी आपके इंडिविजुअली मार्क्स अच्छे होने चाहिए। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता आपका किसी में स्कोर कम रह जाता है एक आध सब्जेक्ट में, आप उसी वक्त उसकी रीअपेयर भर दीजिएगा। रीअपेयर क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वेट करते रहते हैं हम इस पे ट्राई करेंगे, नहीं, आप साथ साथ रीअपेयर जरूर भर दीजिएगा अब जब भी आपका रिजल्ट आता है। और जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आपने कहीं भी हिल स्टेशन पे नहीं जाना, कहीं नानी घर नहीं जाना, आपको सिर्फ अगले दिन से ही अपनी इंग्लिश प्रोफेशन से स्टार्ट करनी है, आयल्स, पीटी। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी कैटेगरी में यानी कि यूएसए में जाना चाहते हैं, वो अगर यूजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो सैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो जीआरई, जीमैट का टेस्ट तैयार करें, क्योंकि
आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इमीडिएटली अगर आप करेंगे तो आप क्या होता है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी में सीट्स जिसमें फिल होती हैं उसमें से आप सीट्स ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे उनका डिजायर्ड होता है कि आपने इस डेस्टिनेशन पे जाना है, इस वाले कॉलेज या इस वाली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर एडमिशन ही नहीं मिल पाती। कारण क्या होता है कि वहाँ सीट्स पहले से ही खत्म हो जाती है। जैसे अभी कैनेडा में है, सितंबर इनटेक ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुका है, फिर भी अगर 10-20% बचा है तो वो वही स्टूडेंट्स ले पाएंगे जो टाइमली अपनी आयल्स कर लेंगे। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी हिल स्टेशन पे जाना है, नानीघर जाना है, कहीं भी घूमने जाना है, वो जब आप आयल्स का एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद 13 डेज का आपके पास टाइम होता है, 13 डेज बाद आपका रिजल्ट आता है, तब आप जहाँ जाना चाहते हैं घूम लीजिए। जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, CBSE वाले स्टूडेंट, ICSE वाले, उनके लिए आयल्स सिर्फ 1 मंथ की जॉब है। 1 मंथ में ही आप टेस्ट प्रिपेयर करके दे दीजिए, उसके बाद जहाँ भी घूमने जाना जा सकते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी कर रहे हैं वही बेटर है। जो ओपन बोर्ड से कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। मेजर ऑफ द यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं यहाँ डिसअपॉइंट नहीं करता स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आप फिर भी कोशिश कीजिए, अगर आपकी रेगुलर हो जाती है तो रेगुलर हमेशा बेटर रहती है। और इसके बाद अगर आपका विचार नहीं है, अभी जो स्टूडेंट्स ने 12th की है, अगर आपका अभी विचार नहीं है कि आपने अभी सोचना है कि मैंने जाना है या नहीं जाना, तो आप अपनी बैचलर की एडमिशन जरूर लेके रख लीजिए। क्योंकि अगर आपकी कहीं परसेंटेज भी कम आती है, कुछ होता चांस, तो भी आप फर्स्ट ईयर की एडमिशन, वो भी अपने रेलेवेंट, जो मान लो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो BSc में ले सकते हैं, और जो कॉमर्स वाले BBA में, BCom में, अपने रेलेवेंट जो आपने प्रीवियस स्टडी की उसी से रेलेवेंट आप फर्दर एजुकेशन ले लीजिए। फिर आपके पास चांस रहता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप अब्रॉड स्टडी का प्लान कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कीजिए या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.